और ये छोटू गया, देख रहे हो क्या चीज है। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तरुण कृष्णा पर। फिलहाल मैं दिल्ली एनसीआर के वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट वाटर पार्क फन एंड फूड वाटर पार्क आपको लेकर आ चुका हूँ। इसके नाम में ही छुपा हुआ फन एंड फूड, मतलब आपको बहुत सारा फन मिलने वाला है, साथ ही फूड मिलने वाला है। भाई यहाँ पर आपको तीन स्पेशल चीज़ें मिलेंगी। पहला, वाटर पार्क के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पे आपको वाटर स्लाइड मिलने वाली है। जितना मन करे उतना करो, सुबह से शाम तक करो। उसके बाद शाम को यहाँ पे अमेजन पार्क ओपन हो जाता है, फिर अमेजन पार्क में मजे करो। जितना मन करे उतनी बार झूले झूलो, जितना मन करे बच्चों को, बड़े को, कपल्स हो, सब आके मजे करो। उसके अलावा यहाँ पे अनलिमिटेड फूड मिलता है, मतलब जितना मन करे उतना खाना खाओ, और वो भी टेस्टी वाला फूड मिलता है। ऐसा नहीं कि बस मिलता है नाम के लिए मिलता है, ऐसा नहीं, टेस्टी भी होता है। तो यहाँ पे आके आप मजे कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको पूरा वाटर पार्क घुमाता हूँ, यहाँ के अम्यूजमेंट पार्क घुमाता हूँ, दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ पे फूड वगैरह मिलता है। साथ ही मैं यहाँ की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, जैसे कि यहाँ के टिकट क्या है, टाइमिंग क्या है, लोकेशन क्या है, सैटरडे संडे को क्या टिकट होती है, नॉर्मल डेज में क्या होती है, कैसे आप यहाँ तक आ सकते हैं मेट्रो के द्वारा, पार्किंग की सुविधा, सारी जानकारी इसमें देने वाला हूँ। चैनल पर पहली बार ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, ये है फन एंड फूड वाटर पार्क की एंट्री। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ की लोकेशन बता देता हूँ। तो लोकेशन की बात करें तो ये आप रोड देख रहे हो, ये है ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड। यहाँ से ये रोड जा रहा है गुड़गांव की, और यहाँ से जा रहा है दिल्ली की। और तो ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड कापासेरा न्यू दिल्ली के अंदर ये वाटर पार्क है, ये आप देख सकते हैं। बात पार्किंग की करें तो आप सामने देख सकते हैं, ये पूरा एरिया आप देख रहे हो पार्किंग का एरिया है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी पार्किंग है, और पार्किंग रेट ये आप देख सकते हैं, कार के रहेंगे 50 और बाइक के रहेंगे 20 रुपये। दोस्तों यहाँ ये आप देख रहे हो, यहाँ की ये पार्किंग है, और ये है यहाँ का अमेजन पार्क। काफ़ी बढ़िया बढ़िया यहाँ पर जो है राइड्स हैं, बट वो मैं आपको वाटर पार्क के बाद दिखाऊंगा इवनिंग के टाइम पे। फिलहाल तो क्यों बंद है, क्योंकि सब कुछ इवनिंग में जब थोड़ी छांव हो जाएगी, ठंडक हो जाएगी, तब ये सब ओपन होगा। चलिए यहाँ से मैं आपको टाइमिंग वगैरह बता देता हूँ, और फूड की टाइमिंग बताता हूँ, टिकट प्राइस क्या है वो बताता हूँ। ये सामने आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है यहाँ का टिकट काउंटर। तो टिकट प्राइस वगैरह बता दें। चलिए आप ये आप देख सकते हो, फूड की टाइमिंग दिखा रखी है यहाँ पे, 12 से 4 बजे तक की जो है फूड टाइमिंग यहाँ पे होती है। अनलिमिटेड फूड आप खा सकते हैं, कई सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे खाने पीने के लिए। चाइनीज मिलेगा, और आपको साउथ इंडियन मिलेगा, और मील मिलेगी नॉर्मल, आप जो है पेट भर खाना यहाँ पे खा सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं पार्क की टाइमिंग है मंडे से संडे, और अमेजन पार्क की टाइमिंग आप देख सकते हैं, पार्क की टाइमिंग 11 से 7 है, अमेजन पार्क की है 5 से 8 बजे तक की। और सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं टिकट प्राइस यहाँ पे मंडे से फ्राइडे क्या रहेगा, चाइल्ड का आप देख सकते हैं, एडल्ट का स्टैग एंट्री यानी कि सिंगल बॉय, और सीनियर सिटीजन, और यहाँ पे डिसेबल अगर कोई आ रहा है तो उनका आप देख सकते हैं, ये सब टिकट प्राइस रहने वाला है। और ये आप देख सकते हैं कि टिकट प्राइस यहाँ पे है सैटरडे और संडे के लिए, जिसमें फूड प्राइस देखो एडल्ट का 250 रुपये है, और चाइल्ड का यहाँ पे 150 है। तो देख सकते हैं टिकट प्राइस, ये टिकट प्राइस आप देख सकते हैं मंडे से फ्राइडे चाइल्ड के यहाँ पर है भाई 1250, एडल्ट के यहाँ पर है 1750, स्टैग एंट्री यानी कि मेल ओनली 2000 रुपये, सीनियर सिटीजन के 1250, डिसेबल है कोई तो 1250। बाकी देख सकते हैं स्लाइड एंड अम्यूजमेंट राइड, हाई क्वालिटी अनलिमिटेड फूड विद मोर देन 56 आइटम्स, ये आपका है मंडे से फ्राइडे का। अभी यहाँ पे वीकेंड का भी आएगा, वो दिखा दे, देखो आगे यहाँ पर देख सकते हैं वीकेंड का आप, चाइल्ड के 1100, एडल्ट के 1500, स्टैग एंट्री 1750, सीनियर सिटीजन 1000 रुपये, डिसेबल जो है 1000 रुपये, और फूड प्राइस यहाँ पे अलग से रहेगा अनलिमिटेड, वो आपने देख ही लिया होगा। और दोस्तों यहाँ आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा द्वारका सेक्टर 21 का, जो कि यहाँ से लगभग होगा 6 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ से आप ऑटो वगैरह लेकर आ सकते हैं, बाकी मिनी बस भी चलती है जो कि 10 रुपये लेते हैं मिनी बस वाले, और यहीं सामने उतारते हैं वाटर पार्क के। तो भाई टिकट वगैरह हमने ले ली है, तो चलिए अंदर चलते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, अगर आप वीकेंड में आते हैं सैटरडे संडे, तो भाई आपका जो फूड चार्ज है वो अलग से होगा, और उसमें जो है अनलिमिटेड तो होगा लेकिन वन टाइम एंट्री होगी फूड कोर्ट में आपकी। और नॉर्मल डेज में आप आते हो मंडे टू फ्राइडे, तो भाई आप जो है अनलिमिटेड फूड खा सकते हो, और फूड कोर्ट में एनी टाइम जा सकते हो, और उसका चार्ज भी जो है टिकट में ही होगा, अलग से नहीं होगा। तो चलिए अब यहाँ से अंदर चलते हैं, और देखते भी कैसा वाटर पार्क आपके लिए रहेगा, और इन्जॉय करते हैं। तो चलो भाई अंदर चलते हैं, आपकी जो है चेकिंग वगैरह यहाँ पे होती है, थोड़ा सा फूड वगैरह जो है अलाउड नहीं होता, वैसे तो अंदर ही मिलता है सारा फूड वगैरह सब कुछ। नमस्ते जी। ये देखो भाई अंदर आ चुके हैं हम यहाँ पर, यहाँ पर जो है कॉस्ट्यूम वगैरह आप ले सकते हैं, अगर आप लेकर नहीं आए हैं परचेज भी कर सकते हैं, रेंट पर भी मिल जाती है। अभी बता दो कौन सी जो है कॉस्ट्यूम वगैरह आपको लेनी होती है अगर आप वाटर पार्क आ रहे हैं, अभी बताता हूँ आगे चल के। ये देखो काफ़ी कुछ मिल जाता है आपको यहाँ दोस्तों, यहाँ से आप वो भी ले सकते हैं। ये देखो ये वाटर प्रूफ वाला कवर होता है ना, इसमें आप जो है फ़ोन अपना रख के वीडियो भी बना सकते हैं पानी में। कितने का है वो? 150। अच्छा 150 का है, तो भाई 150 रुपये का आपको मिल जाएगा। देखो ये बाकी और भी कई चीज़ें हैं, वो भी आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं, ले सकते हैं यहाँ से। और भाई अगर आप वाटर पार्क आते हैं ना, तो आपके पास नायलॉन या लैक्रे के कपड़े की कॉस्ट्यूम होनी चाहिए, टी शर्ट, निक्कर, पजामा, जो भी आप पहन के आना चाहते हो वो आपके पास होनी चाहिए। चाहे तो घर से ला सकते हो, अगर नहीं है आपके पास तो आप रेंट पर यहाँ से भी ले सकते हो। क्या रेंट होता है वो बताता हूँ। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए ना बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि जोकर देख सकते हैं आप सामने, ये देखो जोकर जी आ गए। और भी कैसे हो? अरे क्या हो गया, सारी ताकत दिखाओगे क्या अभी? अरे
नहीं ऐसा मत करो, बेइज्जती मत करवाओ यार। यहाँ सामने से आप कॉस्ट्यूम वगैरह ले सकते हैं, लॉकर रेंट पे ले सकते हैं, और लॉकर आपको जरूरी होगा ना लेना क्योंकि अपना सामान वगैरह रखना होगा सब। तो चलिए बता दो क्या रेंट है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेडीज कॉस्ट्यूम का जो है रेंट रहेगा 200 रुपये, सिक्योरिटी के 200 रुपये रहेंगे, और टी शर्ट यहाँ पे रहेगी जो है 150 की, ये 200 रुपये यहाँ पर सिक्योरिटी चार्ज। स्लैंक्स लेना चाहते हैं, ये देखो ये नीचे इन्होंने दिखाया भी किस तरीके से क्या क्या होगा। स्लैंक्स लेना चाहते हो तो वो 100 रुपये सिक्योरिटी के। लॉकर लेना है वो तो कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी तो नहीं, मतलब जरूरी है आपके लिए, वरना सामान वगैरह गायब हो जाए क्या पता। तो लॉकर में रखने के लिए सामान आपको लॉकर लेना होगा, 150 का यहाँ पे रेंट है लॉकर का, 200 रुपये सिक्योरिटी का देना होगा। ये सिक्योरिटी का मतलब ये जो 200 रुपये है ना आपको वापस मिल जाएंगे, जब जो आपको की मिलती है ना लॉकर की वो आप वापस करोगे तो 200 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो भाई कॉस्ट्यूम लॉकर वगैरह सब कुछ हम ले चुके हैं, चलिए अब चल के चेंज कर लेते हैं और उसके बाद आपको लॉकर दिखाएंगे कितना साइज लॉकर का होता है, और फिर इंजॉय करेंगे वाटर पार्क में। ये भाई यहाँ का जो है चेंजिंग रूम है, जहाँ पे आपको शावर वगैरह मिल जाता है और यहाँ पे टॉयलेट वगैरह आपको मिल जाता है। बाद में आप अगर जब चेंज करोगे ना तो हेयर ड्रायर भी है, देखो यहाँ पे बाल आपके गीले हो जाएंगे ना तो सुखा लो इससे। अभी चेंज कर लिया है, चलिए अब आपको यहाँ का लॉकर दिखाते हैं। यहाँ पर जो है ना डिजिटल होते हैं लॉकर, देखो इस तरीके से ये टच करेंगे खुल जाएगा, खुल गया देखो, और इसको लॉक कर देंगे अभी सामान रखने के बाद, ऐसे आप कर दोगे ये देखो, दिखाई देता हूँ ये लो बंद हो गया लॉकर। भाई काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर देखो हमारे 2 बैग आराम से आ गए। ये देखो राहुल भाई ये फूड का टाइम क्या था, भूल गया यार, 12 से 4 था। अच्छा 12 से 4, तो खाएं कुछ? चलो खाते हैं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो भाई पूरी तरह पेट भर के स्लाइड मत करना वरना आपको दिक्कत हो सकती है, पहले स्लाइड में मजे कर लेना और फिर जो है बाद में बढ़िया से खा लेना। तो दोस्तों फूड कोर्ट वाले एरिया में अभी हम आ चुके हैं, चलिए दिखा लेते हैं आपको खाने के लिए क्या क्या मिलने वाला है। तो भाई क्राउड काफ़ी है, पब्लिक काफ़ी आई हुई है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं भाई आपको यहाँ पे जो है ये मिलेंगे नान वगैरह, फिलहाल रेडी हो रहे हैं, बाकी यहाँ आपको छोले दिख जाते हैं। और आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको भटूरे मिलेंगे, ये देखो पीछे रेडी किए जा रहे हैं भटूरे, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप ये भटूरे तैयार किए जा रहे हैं, तो ये छोले भटूरे का लुत्फ उठा सकते हैं आप। ब्रेड पकौड़ा मिलेगा आपको, और आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ हम देखेंगे जीरा राइस है, ये देखो यहाँ आपको जीरा राइस मिल जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर वेज बिरयानी है ये, और आगे बढ़िए यहाँ पर ये है देखते हैं एक बार, ये दाल मखनी है यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, और ये है ये सब्जी है बंजारा सब्जी है कोई। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं शाही पनीर है यहाँ पर, और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अमृतसरी खड़े आलू है यहाँ पर ये, और आगे बढ़े तो यहाँ पे मलाई कोफ्ता आपको मिल जाता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे गट्टे की सब्जी है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कड़ी पकोड़ा, और यहाँ पे ये छोले हैं फिर से, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे गुलाब जामुन है, और ये देखो ये फ्रूट कस्टर्ड है ये, तो ये भी ये काफ़ी टेस्टी होता है भाई, ये जब भी आता हूँ ना मैं वैसा ट्राई करता हूँ इसको, ताकि यहाँ पर आपको खीर मिल जाती है राइस वाली। थोड़ा सा आगे आते हैं तो और भी कई चीज़ आपको मिलती है, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको पाव भाजी मिल जाता है, और यहाँ पे आपको मटर कुलचा मिल जाता है, और यहाँ दही बल्ले मिल जाते हैं, गोलगप्पे मिल जाते हैं, और वहाँ आगे आप जाएंगे तो मतलब और भी दही पापड़ी वगैरह काफ़ी कुछ है। ये देखो और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे, आप ये चाउमीन वगैरह देख सकते हैं, या फ्राइड राइस है, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वेज मंचूरियन है, और आगे बढ़े यहाँ पे पास्ता मिक्स सॉस मिल जाता है, यहाँ पे इडली वड़ा आपको मिल जाता है, ये देखो सांभर है, ये देखो यहाँ पे इडली देख सकते हैं आप, बाकी जो इडली की दोनों सॉसें होती हैं वो भी है, और भी कई चीज़ें मिलेंगी। देखो यहाँ पे चने वगैरह आपको मिल जाते हैं नमकीन वाले सिंपल, और यहाँ कई सारे ड्रिंक्स मिल जाती हैं। ये भाई मैंने थोड़ा सा ये ले लिया है इडली वड़ा, और यहाँ पे ये फ्रूट कस्टर्ड है ये ले लिया है, बाकी बढ़िया से बाद में खाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा बहुत खा पी लिया है हमने, टेस्टी था खाना, चलिए अभी स्लाइड में मजे करते हैं चल के। सबसे पहले करेंगे मटके वाले। काफी लोग पूछते हैं ये वाटर पार्क के अंदर पानी ठंडा है गर्म है कैसा है, तो काफी ठंडा है पानी, ठंडा है पानी भाई आ जाओ। दोस्तों सामने आप देख रहे हो मटके वाली स्लाइड है, चलिए ये कर लेते हैं, वैसे इसका रियल में नाम ये है टोर्नेडो स्लाइड, ये आप देख सकते हैं, बाकी मैं इसको मटके वाली बोलता हूँ ये, क्योंकि इसमें ना इस तरीके से ब्लैक और व्हाइट आप देख रहे हो मटके की तरह बना रहता है। चलिए ये करते चल के, ट्यूब के लिए देखो लाइन लगी है, ट्यूब ले लेते चलो, थोड़ा दिखा दो देखो वहाँ से भी स्टार्ट होंगे चलना, और ये ऐसे राउंड मार के आएंगे यूँ करके, फिर मटके भी जाएंगे, फिर यहाँ से यूँ के फिर एक राउंड मार के यहाँ से होते हुए फिर ये होते हुए फिर वहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ निकलेंगे। आओ आओ फटाफट आ जाओ, ट्यूब मिल चुकी है, अब देखते कितना मजा आने वाला, फटाफट आओ। तो भाई ऊपर आ गए टोरपेडो स्लाइड करने के लिए, कुछ रूल्स वगैरह लिखे हैं यहाँ पर भाई, तो खास बोलिए भाई राहुल भाई, तो भाई पहली बार करेंगे तो जो असली एक्सपीरियंस है आपका ही होगा भाई, ट्रैवल विद क्या नाम था चैनल का, ट्रैवल विद आरटी। ये देखो भाई ये भाई लोग जा रहे हैं यहाँ पर, फिर हम भी चलेंगे, हैंडल में छोड़ना कहते हैं ये लोग। तो भाई देख सकते हैं जो हैवी वेट होता है ना वो पीछे बैठता है, और लाइट वेट जो है वो आगे बैठता है, और पैरों को जो है क्रॉस करना होता है आपस में, और पीछे वाले को आगे वाले के पास इस तरीके से पैर करने होते हैं, और हैंडलों को जो है बढ़िया से पकड़ना होता है, छोड़ना नहीं होता। तो चलिए दोस्तों चलते हैं टोरनेडो में, टोरपेडो में आगे वाले सर पैर क्रॉस कीजिए, पैर क्रॉस कर लिया, हैंडल पकड़ लिया, चलिए चलते हैं।
मजा आएगा भाई। हैंडल मत छोड़ना सर। हैंडल नहीं छोड़ना भाई। चलिए भाई शुरू हो गए। मजा आ गया भाई। ओ भाई अभी एक और मटका आएगा भाई। ओ भाई जय श्री राम। जय श्री राम। भाई बहुत मजा आ गया। बढ़िया वाली स्पीड में आया। बिल्कुल बढ़िया वाली है नी भाई। बहुत राहुल भाई पहली बार गए थे भाई। मैं तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था लाइफ का। मजा आ गया सच्ची में। दिल खुश हो गया। डर लगा क्या भाई? डर लगा था। मटका आया था तुमने बहुत डर लगा था। पूरा ऊपर को गया फिर वापस नीचे गए फिर स्लाइड में। तो मजा आया नहीं आया? बहुत मजा आया। बहुत मजा आ गया भाई। दोबारा जाने का मन कर रहा है। इतना मजा आया स्लाइड में तो भाई का दोबारा जाने का मन कर रहा है। चलेंगे दोबारा। पहले ना अगली करके आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई क्या स्लाइड है। ये देखो। चलिए भाई करते हैं अगली में मजे। तो पानी का बहाव तेज हो गया। लग रहा है कोई आ रहा भाई। तो आ गया। ओ भाई चलते हैं अगली वाली में। इसका क्या नाम है? ये टॉर पैडो तो करके आ गए हम। अब कौन सी भी जा रहे हैं? ब्लीजर या फ्यूजन? चलो ऊपर जाके पता लगेगा। देखो भाई यहाँ से जो है पूरा अमेजन पार्क यहाँ का दिखाई दे रहा है। तो शाम को आपको ये भी दिखाएंगे जब थोड़ी छांव हो जाएगी। चलो चलते हैं अभी तो इसी में। ये देखो भाई काफ़ी ऊपर हम आ गए और यहाँ से पूरा वाटर पार्क दिखाई दे रहा है। तो इसका नाम है फ्यूजन स्लाइड। ये देखो ये जा रहे हैं और किस तरीके से जाएंगे ना ये पूरा देखो सही से बता रहे किस तरीके से जाना है क्या ध्यान रखना है। अभी इनको दिखाता हूँ। देखो ये देखो गए और देखना कहाँ से निकलेंगे। अभी यहाँ से आएंगे। देखना ये आगे 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 और ये गोल गोल राउंड करते करते वहाँ से अंदर नीचे जाएंगे। अभी देखते रहो बस और वहाँ से निकलेंगे। जो भी मैंने आपको पीछे दिखाया था ना वहाँ से निकलेंगे। देखो ये गए 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 अब जाएंगे यहाँ से। ये गए अब वहाँ से निकलेंगे। जो मैंने आपको दिखाया था ना ये नीचे ये रहा। अभी देखना वहाँ से आ जाएंगे। ये आने वाले होंगे जस्ट। और ये आ गए आ गए आ गए दोस्तों। ये जो फ्यूजन वाली स्लाइड थी ना इसमें हमें मना कर दिया है क्योंकि हम दोनों का वेट मिला के काफ़ी ओवर हो रहा है। वेट बैलेंस में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी बनने में। तो इसलिए भाई कह रहे हैं दूसरी में चले जाओ। इसमें आप दोनों साथ में नहीं जा पाओगे। सिंगल मैं जा सकता हूँ सिंगल भाई जा सकते हैं बट हम दोनों का वेट मिला के ओवर हो रहा है। तो भाई ने कह दिया सिंगल सिंगल जा सकते हैं और सिंगल जाने में क्या मजे यार। तो अगली में चलते हैं। देखो भाई इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने मेंशन करा होता है कि मिनिमम वेट कितना जा सकता है और मैक्सिमम कितना जा सकता है। नहीं आ रहे यहाँ पर बहुत मजे आ रहे हैं। अब कौन सी में चले? अच्छा इसमें मल्टी रेसर में। चलो भाई मल्टी रेसर में चलते हैं। मल्टी रेसर के लिए भाई यहाँ पे जो है मैट की जरूरत पड़ती है। बाकी यहीं पर ही लॉन्चर भी है तो दिखाएंगे आपको। ये देखो ये आ रहे हैं यहाँ पर। ये काफ़ी आगे तक आए। मैं तो यहाँ तक आ जाता हूँ भाई यहाँ तक। तो चलो मैट उठाते हैं और चलते हैं। बाकी भाई सामने देखो वेस्ट इंडीज़ भी यहाँ पर आए हुए हैं। पता नहीं वेस्ट इंडीज़ है कि जिम्बाब्वे के हैं। तो भाई ऊपर हम आगे हैं यहाँ पर। ये देखो ये बालक जा रहे हैं यहाँ पर। हम भी चलेंगे बालकों के बाद। ये देखो छोटू जा रहा है अभी। और ये देखो उठा लो भाई ऊपर उठा लो थोड़ा। और ये छोटू गया वहाँ से निकलेगा। और ये भी अंदर से काफ़ी कलरफुल है भाई। ये देखो निकल गया ये आ गया। ये देखो ये वाला छोटू भी गया। मेरा वेट ज़्यादा मैं बहुत स्पीड में जाऊँगा देखना। ये देखो भाई ये रही अपनी मैट। तो चलिए इसमें चलते हैं। राहुल भाई पता है वेस्ट इंडीज़ भी आए हुए हैं भाई। अब्सी बोलते हैं उन्हें अब्सी। हाँ देखो दो आपको मिलेंगी ये स्लाइड्स करने के लिए। एक सुपर ड्रॉप है वो पीछे और ये आप देख रहे हैं हाइड एंड सीक। यही मल्टी रेसर है ये मैट वाली जो स्लाइड है इसको हाइड एंड सीक नाम दिया है यहाँ पर इन्होंने क्योंकि भाई यहाँ पे भी हाइड हो जाते हो और फिर वहाँ आगे जाके सीक हो जाते हो। ये देखो यहाँ पर कि दोस्तों ये देख रहे हो इसका नाम क्या था? सुपर ड्रॉपर। हाँ सुपर ड्रॉपर इसका नाम था। इसमें क्या है यहाँ पे बंदा खड़ा होगा मतलब बंदा बंदी कोई भी तो वो खड़ा होगा यहाँ पर। और ये प्लेट आप देख रहे हो ब्लू कलर की ये वाली तो ये ना हट जाएगी एकदम से और स्पीड में नीचे जाएंगे और वहाँ जाके निकलते हैं एकदम से। दिखाता हूँ मतलब वहाँ से चल के भाई यहाँ तक नहीं आ पाऊंगा इतने बंदा नीचे पहुँच जाते हैं वहाँ पर। ये देखो तो भाई इस तरीके से है ये वाली देख सकते हैं। ये राहुल भाई करेंगे पहले। क्या हो गया? चलो भाई चलते हैं इस हाइड एंड सीक में और देखते कितना मजा आएगा। बहुत कलरफुल है भाई। चल गए फिलहाल तो वेव्स नहीं चल रही है। राहुल भाई कितने बच्चे तुम्हारे? शादी भी नहीं हुई अभी है।
तो वो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए स्लाइड लगाई हुई है, मतलब बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा इसके अंदर, फैमिली राइड है ये, दिखाता हूँ एक बार, मतलब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नन्हे नन्हे से बच्चे ना उनको लेके आप यहाँ करो। ये देखो भाई ये है ना, यहाँ पे फिसलने का डर ना कुछ, आराम से ना बैठते हुए जाओ, ना फिसलोगे ना कुछ होगा, छोटे छोटे बच्चे इसको करते। बाकी यहाँ देखो ये ट्यूब वाली एक लगाई है इन्होंने, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं। देखो जा भी रही एक बच्ची, देखो एक बच्चा ये करते हुए आ रहे हैं यहाँ पर। छोटू मजे आए इसमें? मजे आए इसमें? मजे आए, मजे मजे आए भाई। देखो ये लोग जा रहे हैं, ये देखो कितना सिंपल है, अभी पता लग जाएगा आपको, बिल्कुल आराम से जाएगा। ये देखो कितनी सिंपल है, आराम से जाओ बिल्कुल। और ये लो भाई पहुँच गए नीचे, ये देखो भाई पूरी फैमिली जा रही है इसमें। देखो तो ये वाला एरिया आप देख रहे हो ना, इसमें भी चलेंगे, एंड में चलेंगे, तो पहले ना उस साइड चल रहे हैं, वहाँ पे एक सेक्शन है, ये देखो यहाँ पे डॉग बैठा पिटबुल भाई। म्यूजिक यहाँ पर चल रहा है तो मैं आपको जो है सब कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, म्यूजिक काफ़ी तेज है क्योंकि, तो इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट, इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर भी बनाया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट। अगर आप वेव में जाके मतलब भीग जाओ तो आराम से जो है सूख सकते हो आप यहाँ पे बैठ के, ये देख सकते हैं पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ इस साइड देखो तो लेजी रिवर है यहाँ पर, रेन डांस है यहाँ पर, यहाँ इस साइड आप देख सकते हैं भाई काफी लोग जो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे लेजी रिवर में, ये देख सकते हैं आप, ये देखो भाई ये लेजी रिवर में लोग एंजॉय कर रहे हैं। बाकी वहाँ उस साइड जो है रेन डांस है। सेक्शन आप देख रहे हो ये फनी स्लाइड का सेक्शन है, यहाँ पर भी आपको कई सारी स्लाइड मिलती है, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर आपको मिल जाती है। चलिए एक आध इनमें से भी आपको जो है करके हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर 2 मिल जाती है बॉडी सी स्लाइड आपको, अभी हम ऊपर आए हैं और भी हैं ऊपर, ये देखो ये थोड़ा टनल वाली है, काफी कलरफुल है ये, और एक देखो ये वाली है, ये पूरी ओपन है, लेकिन फिलहाल मैं सोच रहा हूँ पहले ऊपर वाली होकर के आते हैं। देखो भाई यहाँ पर ये ट्यूब स्लाइड है, ये कर लेते हैं पहले, और इसके बाद जो है दूसरी करेंगे, वहां पर भी और हैं तो ये दिखाते हैं। पहले देखो ये बच्चे जा रहे हैं छोटे छोटे से यहाँ पर, ये देखो ये बच्चे गए, ओ भाई स्पीड बहुत बढ़िया होती है इसके अंदर, दिखाते हैं चलो। राहुल भाई कह रहे हैं ना पहले मैं साइक्लोन कर रहा हूँ उसके बाद चलेंगे उस वाली में, ऐसा क्यों भाई? डर वाली कर लेते हैं। अच्छा मतलब जो जिसमें डर लग रहा है वो पहले खत्म कर दो करके, सही बात है भाई। तो भाई को डर लग रहा है इसमें थोड़ा सा, कह रहे हैं इसी को खत्म करेंगे पहले करके फिर करेंगे बाकी नॉर्मल वाली, ठीक है इसमें जाओ भाई। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से साइक्लोन में जाना होता है, देखो चश्मा अगर आपके पास है इस तरीके से रख लेना ताकि पानी में न गिरे, हाथों को कैसे बताया था मैंने करके, इस तरीके से हाथों को करना है, पैरों को इस तरीके से कर लेना है, और अगर टी शर्ट ऐसी पहनी है तो निक्कर के अंदर दबा लेना है ताकि ये ऊपर को ना आ जाए आपके और लगने के चांसेस फिर नहीं होंगे आपको। भाई राहुल भाई जा रहे हैं यहाँ पर साइक्लोन में, जाओ भाई जाओ। तो भाई को डर लग रहा है बट हिम्मत करते हो भाई जा रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं, और ये जाओ जाओ जाओ, लेट जाओ पूरे लेट जाओ, जाओ स्पीड में जाओगे, और ये गए, अब देखना वहाँ से निकलेंगे भाई, वहाँ से आएंगे, और ये आ गए, आ गए भाई आ गए, अब पानी में जाएंगे धपैक से, अब जाएंगे पानी में, और ये धड़ो भाई कैसा लगा साइक्लोन में? भाई बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस लग रहा था। तो भाई 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 को डर लग रहा था बट मैंने बोल दिया बहुत आसान है और भाई चले गए। उनकी बात में बताना भाई बिल्कुल भी इजी नहीं है वो। अरे नहीं है डर के आगे भाई, जब नीचे गिरते पानी सर से ऊपर चला जाता है। नहीं मजा तो आता है, ऐसी बात नहीं यार, मजा डर लगता है बट मजा भी डर में ही है यार। हाँ, मजा भी डर में वाकई में। चलिए दोस्तों कर लेते हैं ये वाली, अब राहुल भाई तो आ गए साइक्लोन करके, आओ फटाफट आओ। क्या स्पीड है भाई, क्या स्पीड है भाई, मजा ही आ गया। चलेंगे दोबारा, तो वापस जा रहे हैं दोबारा करके आते हैं। दोस्तों तरुण भाई गए बॉडी स्लाइड करने, देखिए अभी आएंगे वहां से, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए भाई ये आ गए, ये बाहर भाई, वो तेरे तो भाई मस्त है ये वाली स्लाइड। तो भाई अभी मैं जो है बॉडी स्लाइड करके आया हूँ, सारी स्लाइड हम करके आपको दिखाते नहीं है, वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, कुछ करते हैं कुछ ऐसे दिखा देते हैं। इसीलिए जो है ना 4:15 है और 12 से 4 खाने का टाइम था, तो फिलहाल चल रहे हैं खाना खाने के लिए, खाना खा लेते हैं बढ़िया से, अब फिर उसके बाद जो है एंजॉय करते रहेंगे। भाई ये कुछ खाना लेकर आ चुके हैं यहाँ पे, मैंने टिक्की वगैरह लिया, छोले भटूरे और नान, शाही पनीर, रसगुल्ला और सॉरी गुलाब जामुन। हम खाना खा ही रहे थे कि भाई वेव्स चालू हो गए यहाँ पर, देख सकते हैं। चलिए दिखाता हूँ आपको यहाँ से थोड़ा, देखो भाई कितना एंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पर, क्या बात है क्या बात है। ये देखो पीछे की साइड जो है ज्यादा पता लगता है वेव्स का। चलो भाई चलते हैं वेव्स में, राहुल भाई को तैरना भी आता है तो तैर के दिखाएंगे राहुल भाई, देखते कितना मजा। ओ क्या लहर लग रही है भाई साहब, नीचे आ गए आ गए आ गए आ गए। ओ तो भाई देख सकते हैं कितना लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो भाई राहुल भाई यहाँ पे तैर के दिखाएंगे अब हमें, कह रहे कि अच्छा तैरना आता है इनको, देखते हैं भाई कितना आता है तैरना। तैरो
आता तो है भाई, बढ़िया तैर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अंदर को अंदर जाओ, अंदर की साइड, वहाँ अंदर पानी ज़्यादा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ना चश्मा लगा लो। और ये देखो भाई, क्या बात है क्या बात है, मैं भी तैरूँगा अभी इनके पास, वो बात अलग है, मुझे आता नहीं है। आगे जाओ आगे, लहरों को काटते हुए, क्या बात है क्या बात है। अरे अरे अरे, पूरा निला रहे मुझे पीछे से। दोस्तों सामने देख रहे हो, इधर जंगल फॉरेस्ट है, अभी हम यहाँ पे चलने वाले हैं, इधर इंजॉय करेंगे। तो अब ये वाली आप वीडियो देख रहे हो, ये GoPro Hero 12 की है भाई, तो चलिए इसमें चलते हैं और इसमें मज़े करते हैं। अब देखो बाल्टी गिरने वाली है, अभी ये दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, ये वो गिरेगी अभी, लगेगा वैसे थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें से एक आधा स्लाइड हम भी करेंगे चल के, अभी पूरा पानी पानी हो जाते हैं इसमें जाकर। चलो अंदर ही चलते हैं, गिरने में इसको टाइम लगेगा, इतने में तो अंदर ही पहुँच लेंगे हम। यहाँ देखो हमें टॉर्च मिलता है, बॉडी स्लाइड मिलती है, ये किड्स मल्टी लेन बॉडी स्लाइड इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, ये शूज़ वगैरह रखने के लिए बनाया ये सेक्शन। चलो भाई यहाँ पे जो है ऊपर चलते हैं पानी के अंदर, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं लोग अपने अपने तरीके से भाई, बच्चे बड़े सब। ये देखो भाई यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, ये सब इंजॉय कर रहे हैं। चलिए यहाँ से ऊपर चलते हैं हम, ये देखो वीडियो बनाते आ रहा है छोटा सा बच्चा। ये देखो बाल्टी आने वाली है, आ गई आ गई आ गई आ गई, और ये वो। चलो भैया यहाँ से ऊपर चलते हैं, आ जाओ राहुल भाई, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा, आओ फिर पूरा पानी पानी हो लेंगे यहाँ जाने के बाद। देखो इस तरीके से यहाँ पे कई सारे डमी टाइप लगाए हुए हैं, जहाँ पे लोग जो है फोटो भी क्लिक करते हैं, रील्स भी बनाते हैं और मज़े भी करते हैं, भीगने के लिए तैयार होते हैं। चलो आ जाओ, चलो भाई ठीक है पूरा भाई। ये देखो भाई चारों ओर से पानी निकल रहा है यहाँ पर, तो कहाँ रह गए। तरुण कृष्णा, तरुण कृष्णा तुम जाओ इस वाली में, मैं दूसरे में जाऊँगा, जाओ मैं ऑरेंज वाली में जाऊँगा, तो पहले मैं सारों उसमें जाऊँगा। ठीक है पहले जाओ तुम जाओ। ये देखो चलो देखते हैं दूसरी वाली कौन सी है। यहाँ देखो एक ऑरेंज कलर की है और एक यहाँ पर ये वाली है, सारी बढ़िया है वैसे, ऐसी बात नहीं, ये भी बढ़िया है, ये भी अच्छी स्पीड में जाती है। बाकी एक ये वाली है, इसमें चले क्या राहुल भाई, कहाँ गए, वहाँ से निकलेंगे कहीं से। चलो अपन चलते हैं, ये बच्चा जा रहा है स्पीड में, देखो इसमें चले क्या, अंधेरा होगा लेकिन पूरी टनल वाली है, चलो चलते देखा जाएगा। चलो भाई चलते हैं इसमें, रुक गया मैं तो। ओ कलरफुल कितनी है भाई, कितनी कलरफुल है, ओ अंधेरा अंधेरा अंधेरा, ओ भाई अंधेरा बहुत है इसमें तो, पटक गया और रो 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 के आ रही है, तो रो रो के आए यार इसमें तो, मजा नहीं आया, नॉर्मल थी। तुम्हारी वाली कैसे, मेरी तो आराम से आई थी यार, तो भाई ये तो सही है, मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल मजा आया पर। आओ दूसरी वाली में चलते, आ जाओ, तुम लोग तो ऑरेंज वाली है, मैं उधर वाली ऑरेंज वाली में नहीं आया, दूसरी में आया था मैं। अभी पानी हो गया, मजा आ रहा है, आ रहे मजा आ रहे ना, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मजा आ रहा है भाई, नेक्स्ट लेवल मजा आ भाई। ये देखो इसमें राहुल भाई गए थे, दूसरी में चलते हैं अब हम, तो राहुल भाई एक्साइटेड, स्टार्ट भाई स्टार्ट, चले चलो चलो भाई मैं जा रहा हूँ उसमें पहले, बट टी शर्ट उतार के आओगे, स्पीड में आओगे, और स्पीड आ रही है फिर भी थोड़ी आ रही है, स्पीड है स्पीड है, टी शर्ट उतार के आते ना और तेज आते भाई, ओ आगे नीचे बढ़िया आती है वाली, मजा आ रहा
मजा तो आ रहा है भाई। ये रही ऑरेंज वाली टाइफून टनल, और तुम ही जाओ पहले। चलो भाई चलते हैं इस वाली में, उम्मीद है इस वाली में अंधेरा नहीं मिलेगा। वाओ कितनी ज्यादा कलरफुल है भाई, अंधेरा गायब रे गायब। वाओ यार वाओ वाओ, फिर भी काफी बढ़िया दिया रे पहले वाली से, कितनी कलरफुल थी भाई साहब। तो भाई चेंज करके आ चुके हैं, चलिए अब चलते हैं अमेजोन पार्क में, दिखाते हैं क्या क्या झूले वगैरह होते हैं। दोस्तों एक और बात आपको बता देते हैं, आपको सैंडविच यहाँ पे मिलते हैं 5:30 से 6 बजे तक के बीच ही मिलते हैं, सैंडविच सॉस वगैरह तो ये भी आप खा सकते हैं। और यहाँ पर ना 3 चीजें मिलेंगी आपको इस टाइम, ये सैंडविच और वो देखो ब्रेड पकौड़ा तैयार किया जा रहा है वो मिलेगा, और बाकी मिक्स पकौड़ा मिलेगा। हम तो भाई जा रहे थे अमेजोन पार्क की, और राहुल भाई ने बोला ना कि लगता है चाय वाय मिल रही हो वहाँ पर, ऐसा हो सकता है तो हम यहाँ पर आ गए। तुम्हें कैसे पता यार? भाई पता तो मेरे को भी नहीं था, मेरा मन किया मेरा चलो चलते हैं क्या पता कुछ हो, और सही में वहाँ पर ब्रेड पकौड़े थे सैंडविच था। ये बढ़िया करा तुमने यार। भाई को खुद नहीं पता था कि यहाँ पे चाय वगैरह मिल रही होगी, ब्रेड पकौड़े वगैरह मिल रहे होंगे, हम ऐसे ही आगे भाई ने बोला क्या पता मिल रहा हो, और चेक कर आगे सच में मिल रहा था भाई। टाइम भी आपकी मुलाकात इनसे होगी, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर आया मजा, तो खाना खा लिया झूला झूलेंगे। ये देखो भाई कितना कलरफुल यहाँ का जो है ये अमेजोन पार्क है, यहाँ देखो बच्चों के लिए गाड़ियाँ लगाई हुई है, ये कंट्रोलिंग वाली भी होती है बाकी कुछ इस तरीके से भी होती हैं, कितनी प्यारी प्यारी सी यहाँ पे कलरफुल देखो गाड़ियाँ हैं बच्चों के लिए, तो आपके नन्हे नन्हे से बच्चे हैं ना वो भी खुश होंगे यहाँ पर आके। चलो एक एक करके दिखाते हैं, यहाँ देखो छोटा सा ये हॉर्स है गोल गोल घूमेगा, बाकी यहाँ पे यूनिकॉर्न है ये भी, और पीछे जाएँ तो यहाँ पे सी हॉर्स वाली एक मतलब मिनी ट्रेन टाइप है। ये देखो सामने भाई ये है एक क्या है हवाई सफरिंग, तो चलिए ये दिखाते हैं स्टार्ट हो रही है। ये देखो इस तरीके चलती है, स्पीड तो है वैसे सही है, अच्छी है अच्छी है बढ़िया है। अभी ये देख सकते हैं यहाँ पर एक ये है, ये फिलहाल स्टार्ट नहीं है, सिंपल सी होगी शायद तभी कोई इसमें झूल नहीं रहा। बाकी ये देखो यहाँ पे वाटर फाइट, एक दूसरे को भिगो, वाटर फाइट चल रही देखो यहाँ पे, वो देखो भाई उतर रहे हैं देखो भीग के पूरे, अरे 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 भिगो रहे हैं एक दूसरे को सारे। बाकी आपको ये ड्रैगन वाली मिल जाती है यहाँ पे ड्रैगन ट्रेन, और ये देखो यहाँ पे ये कप प्लेट, ओह क्या सर घूम जाएगा इसमें, तो ये नॉर्मल चलेगी, बाकी इसके बीच में ना वो दिया हुआ है स्टीयरिंग, उसको जितना आप घुमाओगे इतना आपका कप प्लेट घूमेगा स्पीड में। आगे यहाँ पर एक ये वाली भी है बच्चों के लिए, और बड़े आगे तो वहाँ पे पीछे भी कई सारी हैं। ये देखो एक यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर वाली है, इसके पंखड़ी वगैरह घूमती है और ये ऊपर नीचे होता है और गोल गोल घूमता है, ये देख सकते हैं। बाकी उस साइड चल के दिखाते हैं फटाफट, ये देखो ट्रेन वाली चालू हो गई एक, बाकी और भी हैं यहाँ पर, ये देखो ये देख सकते हैं यहाँ पर एक ये रही, बाकी एक वहाँ उस साइड भी है ये पीछे की साइड में एक, ये देखो ये वाली, बाकी ये भाई देखो किस तरीके से बैठे हुए हैं। ये वाली जो है ना सबसे बढ़िया वाली है यहाँ पर, ये ऊपर जाएगी और बहुत स्पीड में गोल 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 घूमती है भाई ये, तो करना है ये, बट वीडियो कौन बनाएगा यार ये करेंगे तो समझ नहीं आ रहा, चलो देखते हैं क्या होता है, करना तो है वैसे करके ही जाएंगे। बाकी यहाँ पर ये आप देख रहे हो टोरा टोरा है, ये भी काफ़ी बढ़िया है, ये देख सकते हैं आप, फिलहाल शायद स्टार्ट है कि नहीं पता नहीं, लेकिन बढ़िया है इसमें भी काफ़ी मजे आते हैं, सर भी घूम जाता है बल्कि। बाकी ये सामने देख रहे हो ये भी बहुत बेहतरीन है, ये भी ऊपर नीचे गोल गोल घुमा देती है पूरी। बाकी इधर देखो बच्चों के लिए नाव वाली कोलंबस, बाकी यहाँ पे रॉकेट जा रहा है देखो, ये लग कई सारी मनोरंजन चीज़ें हैं, तो इस साइड तो ये रॉकेट में मजे कर रहे हैं लोग, और इस साइड आए तो यहाँ पे तरबूज में मजे कर रहे हैं। बाकी ये भी देख सकते हैं आप ट्रेन वाली काफ़ी ज़्यादा है भाई, तो दोस्तों इसमें हम होकर आ रहे हैं, तो दोस्तों आ चुके हैं इस राइड के अंदर हम, तो चलो भाई स्टार्ट होने वाली है, मजा आएगा वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो भाई बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चीज़ है ये, बहुत ही ज़्यादा, अगर हिम्मत हो तो ही इसको करना, वरना आपको डर लगेगा दिक्कत हो सकती है, तो हिम्मत हो तो ही करना ठीक है। तो हम तो करके आ गए, अभी बाहर से कैसी मतलब ये दिखाते हैं एक बार कैसी चलती है, तो पब्लिक आ चुकी है, भर गया पूरा फुल हो गया, दिखाते हैं अभी। कुछ भी ऐसा आइटम जो लूज हो जैसे गले के अंदर कुछ पहना है आपने मंगलसूत्र वगैरह, आपको हटाना पड़ेगा वरना निकल के गिर पड़ेगा, चश्मा वगैरह हेयर बैंड वगैरह शूज़ वगैरह सब हटाना पड़ता है। यहाँ पे आप शूज़ वगैरह रख सकते हैं, रैक बनाया हुआ है,
बैग वगैरह यहाँ रख के जाना है। तो ये भी स्टार्ट होने वाली है, देखो ये वाली राइड दिखाते हैं आपको किस तरीके से थी। स्टार्टिंग में सिंपल लगेगी, फिर एकदम से धमाका होगा, अभी देखते रहो बस। देख रहे हो क्या चीज है, ये देखो भाई ये वाला भी चालू हो गया, अभी बंद था ना ये। तो भाई होकर आ गए हम वाटर पार्क, अमेजोन पार्क, सब कुछ हमने आपको दिखा दिया। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी और मजा भी आया होगा। तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, भाभी मैं रील्स वगैरह डालते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लोगों में, ध्यान रखें अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।